साक्ष्य न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। कांग्रेस का आरोप, नए ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़, स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस दौरान ईवीएम से जुड़ा एक और नया मामला सामने आया है। दरअसल कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद नाना पटोले ने ईवीएम घोटाले पर सवाल खड़ा किया है। जानकारी के अनुसार नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि नागपुर के स्ट्रांग रूम में लाए गए नए ईवीएम रखे हुए हैं, वहां कुछ कमरे के सीसीटीवी बंद किए गए थे। आगे उन्होंने यह दावा किया है कि सीसीटीवी बंद होने का एक शख्स ने बखूबी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, जिसके बाद यह खबर हर तरफ आग की तरह फैल गई है। हालांकि यह मामला अब जिला अधिकारी तक जा पहुंचा है। इस पूरे मामले में जिला अधिकारी का कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वह अभी तक साफ नहीं हुआ है। हालांकि कथित तौर पर रिकॉर्डिंग किए गए शख्स पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार दक्षिण नागपुर के चुनाव अधिकारियों ने अज्ञात शख्स के खिलाफ वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी होने के बावजूद रिकॉर्डिंग करने का अपराध दर्ज किया गया है। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।